हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? दोस्तों, आज हम देखेंगे 9 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज 9 तारीख है, तो जो जो भी इम्पोर्टेंट हुआ है वो हम आज कवर करेंगे। अभी दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने में 5 दिन है। देखते हैं सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, और बढ़ाती भी है तो किस तरह से बढ़ाती है। फेज मैनर बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या ना बढ़ाएं बढ़ाएं लॉकडाउन तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी है, हमें 2-3 दिन में सब पता चल जाएगा। गवर्नमेंट मीटिंग ले रही है इस बारे में, न्यूज में काफी आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, 1-2 दिन में सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो इसी नोट पे दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों आज की हमारी कंट्री कैपिटल करेंसी और यहाँ के लीडर। G20 नेशंस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो G20 नेशंस की एक इम्पोर्टेंट मेंबर कंट्री जो है वो है सऊदी अरबिया। कैपिटल इसकी रियाद है, करेंसी इसकी सऊदी रियाल है। यहाँ पे किंग है दोस्तों, उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी। आज न्यूज देख लें दोस्तों, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डोर्सी, इन्होंने COVID-19 से फाइट करने के लिए 7,500 करोड़ है जो डोनेट किए हैं एक स्टार्ट स्मॉल फाउंडेशन है उसको। राम जन्मभूमि का लोगो दोस्तों रिलीज हो गया है, इसमें इसकी पिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसके इसमें आप देख सकते हैं बीच में राम जी की तस्वीर है, साइड में 2 जगह हनुमान जी हैं, और इस पर लिखा हो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अच्छा लोगो है, तेजस्वी लोगो जैसा है ये, बढ़िया अच्छा लोगो बनाया है राम जन्मभूमि का। अभी दोस्तों विजडन क्रिकेट अवार्ड घोषित हुए हैं, और इसमें इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक, जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, उन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया फीमेल क्रिकेटर की बात करें तो पहले एलिस पैरी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, उन्हें बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और आंड्रे रसल जो है वेस्ट इंडीज के, उन्हें बेस्ट T20 प्लेयर का अवार्ड मिला है। अगर हम विजडन क्रिकेट अवार्ड की बात करें तो 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों गवर्नमेंट ने DTH चैनल निकाले हैं स्वयं प्रभा करके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर ये चैनल है, और ये फ्री एजुकेशन चैनल है जिसमें एजुकेशन से संबंधित सारे कोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं। स्वयं प्रभा DTH चैनल्स का नाम है। और फोर्ब्स ने अपनी 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें अमेजोन के जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं जेफ बेजोस, उसने उस लिस्ट में टॉप किया है। इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज है जो कि सेंटर ने अनाउंस करा है। ये 1,500 करोड़ का पैकेज होगा। इसमें से जो 7,774 करोड़ जो है वो इमीडिएट COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए यूज होंगे, और इसके जो आखिरी जो आधा अमाउंट है इसका, वो टर्म के हिसाब से मीडियम टर्म 1 से 4 साल में इस मिशन में खर्च किया जाएगा। आरोग्य सेतु IVRS का इनॉग्रेशन करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु ने मिलके। इस पे मिस कॉल देने से इस IVRS पे जो असिस्टेंस है, हेल्थ केयर है और गाइडेंस है COVID-19 से रिलेटेड, वो मिल सकती है। अभी कुछ ही दिनों पहले आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी आरोग्य सेतु IVRS की शुरुआत कर दी गई है। दो नए इनोवेशन दोस्तों अभी हुए हैं जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने मिल के करे हैं थर्सडे के दिन। इसमें डिजिटल इंफ्रारेड थर्मामीटर और ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट जो है, ये दो चीजें जो हैं, डिजिटल आई इंफ्रारेड थर्मामीटर और ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट की जो है इनोवेशन जो है वो हुआ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL पुणे के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने शील्ड प्लान जो है वो भी COVID-19 से फाइट करने के लिए
लॉन्च किया है आज ही। और एस का मतलब है दोस्तों सीलिंग ऑफ लोकैलिटीज, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई का मतलब है आइसोलेशन और ट्रेसिंग, ई का मतलब है असेंशियल सप्लाईज, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर केयरिंग। तो ये है प्लान गवर्नमेंट ऑफ शील्ड प्लान गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। आज दोस्तों आई 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल को इंटरनेशनल एएसएमआर डे है। एएसएमआर दोस्तों, एएसएमआर का फुल फॉर्म अगर देखें तो ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली दोस्तों एक टेक्निक है जिसमें आपको विजुअल्स दिखा के, अच्छे साउंड सुना के रिलैक्सेशन की फीलिंग ली जाती है। तो आज है इंटरनेशनल एएसएमआर डे और आज दोस्तों प्ले ट्रू डे 2020 भी है। प्ले ट्रू डे जो है वो 2014 से वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो मना रही है 9 अप्रैल को हर साल, जिससे कि स्पोर्ट्स साफ रहे, साफ सुथरा रहे, गलत मेजर्स ना इस्तेमाल हो, जैसे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग है, इस टाइप की चीजें ना इस्तेमाल हो, स्पोर्ट्स क्लीन रहे, साफ रहे, इसलिए प्ले ट्रू डे जो है वो मनाया जाता है हर साल 9 तारीख को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के द्वारा। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बेल्जियम होस्ट करेगा। और अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ कैपिटल ब्रुसेल्स है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच, फ्रेंच और जर्मन, तीनों लैंग्वेज यहाँ यूज होती हैं। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो सोफी विल्म्स हैं। जो एसबीआई ने दोस्तों अपना एमसीएलआर जो है, जो लैंडिंग रेट है वो 7.40 कर दिया है 7.75 से। एमसीआर दोस्तों एक फॉर्मूला है जिससे कि लैंडिंग रेट जो है बैंक का डिसाइड होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने देखा 9 तारीख को, 9 तारीख को, 9 अप्रैल को जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस यूजफुल सेशन का इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों जल्दी अभी जो है वो मार्च का जितना भी जो मंथली करंट अफेयर उसका वीडियो अपलोड होने वाला है, उस पर काम चल रहा है। इस संडे तक मोस्ट प्रोबेबली वो अपलोड हो जाएगा तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली ही मिलेगा। थैंक यू।